गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक की पुनरावृत्ति करवा रहे हैं। पहले तो आपको यही बताएंगे, कल मैंने आपको बताया हुआ था कि अनुस्वार अनुनासिक आना चाहिए, अनुस्वार आना चाहिए या नहीं, तो सम्मान में नहीं आएगा क्योंकि एक ही पंचम वर्ण एक साथ दो बार आया है। अब ये दिया गया है अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगा करके नए शब्द लिखिए। चौंक, ठीक है ना, चौक नहीं है, चौंक। आंधी, उच्चारण देखिए, घंटा, सांस, यानी जो अनुनासिक लगे हैं उनमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकल रही है, और जिसमें आपका बांधा गोंद, ये देखो मैंने कहा था शिरोरेखा के ऊपर मात्र है, इसका मतलब ये अनुनासिक है और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से निकल रहा है। लेकिन इसमें देखिए अनुस्वार ही है क्योंकि ऊपर शिरोरेखा पर कोई मात्रा नहीं है, घंटा, ठीक है। अब आपका दिया गया अनुस्वार अथवा अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में आए अंतर को वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जैसे लिखा गदा, गंदा, सोहन ने गदा खरीदी, बच्चों ने सारा घर गंदा कर दिया, गदा और गंदा स्पष्ट हो गया। इसी तरह से दिया गया बाधा, बांधा, बाधा का मतलब रुकावट, मेरे काम में बाधा मत डालो। बांधा, मैंने रस्सी से सामान बांधा। गोद और गोंद, गोद, बच्चा माँ की गोद में बैठा है। गोंद, मैंने गोंद से फटी कॉपी चिपकाई, यानी कोई कॉपी फट गई है, किताब फट गई है, तो उसको हम गोंद से पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। अब इसमें उत्तर नंबर, क्वेश्चन नंबर है 10, है, हैं, हो। तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन की माताजी, माताजी बेशक अकेली हैं लेकिन वो हमसे बड़ी हैं, रिस्पेक्ट यानी सम्मान के योग्य हैं, इसलिए यहाँ पर हैं का प्रयोग हुआ है। शीला कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। जो मंच पर आकर घबरा जाते हैं उनका साहस बढ़ाना चाहिए। मीना का भाई उसके लिए खिलौने लाया है। तो इस तरह से एक के लिए है का और बहुत सौ के लिए है का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि कोई सम्मान के योग है तो चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो उसके लिए बहुवचन की क्रिया लगती है। अब आपके सामने आया हुआ है आओ दोहराएं, ठीक है। पट्टी, पट्टियां, पक्षी ने, पक्षियों ने, चित्र की, चित्रों की, मोहल्ला, मोहल्ले, मित्र से, मित्रों से, कठिनाई, कठिनाइयां, यानी एक के अनेक लिखे हुए हैं, बहुवचन लिखे हुए हैं। अब ये मुहावरे दिए गए हैं, दांत पीसना, दांत पीसना का मतलब है गुस्सा करना, और छोटी सी बात पर दांत पीसने लगा, मुहावरा प्रयोग हो गया। मुर्खी खाना यानी हार जाना, भारतीय सेना के सामने आतंकवादियों को मुर्गी खानी पड़ी, अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना, रामू अपने भले की भी बात नहीं सुनता, वह तो अक्ल का दुश्मन है, आंखें खुलना, वास्तविकता का पता चलना, सच जानकर मोहन की आंखें खुल गईं, कोल्हू का बैल जिसका मतलब है परिश्रम करना, मजदूर कोल्हू के बैल की तरह काम में लगे रहते हैं, नाक में दम करना, तंग करना, इन चूहों ने तो नाक में दम कर दिया। अब आपका होमवर्क है अपने मित्र को पत्र लिखना। पत्र लिखने के लिए क्या करते हैं, परीक्षा भवन का खागा शहर, दिनांक, प्रिय मित्र मधुर याद, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से हूँ, तुम सब भी परिवार से अच्छी तरह से होगे, और फिर जो कहानी में आई हुई है नाटक में नाटक उसके बारे में अपने मित्र को जानकारी दीजिए, और अपने माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना, ये बाद में आपको लिखना है, नीचे तुम्हारा मित्र आवासा। तो ये आपका आज का होमवर्क है, धन्यवाद।